बस कमेंट ऑफ करो, स्क्रीनशॉट लेना है। अब एक मिनट ले लो, मतलब क्या कतई मलूक लग रहा हूँ मैं। एक मिनट कमेंट ऑफ ले लो भाई, स्क्रीनशॉट। ले लिया, लगाओ स्टोरिया। चलो भाई कमेंट ऑन ले लिया भाई सब लोगों ने स्क्रीनशॉट। भाई मां चोद देंगे। सोचो भाई, अभी तो मैंने कुछ बोलना शुरू ही नहीं किया, बेंचो 900 लोग हो गए। गजब। तो आप लोगों को पता ही है खेला किसका चल रहा है वो, राइट? तो मुझे नाम दोहराने की इतनी जरूरत मत है किसका खेला चल रहा है यहां पे आज। खेला एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों की जिंदगी की मां चोद देता है। ये सोशल मीडिया है, यहां पे सारी चीजें बहुत वायरल होती है, और स्पेशली मेरी लाइव और स्पेशली मेरी बातें। तो जैसे आज मुझे कुछ न्यूज मिली कि वो दो कौड़ी की रंडी स्काई, जिसका नाम है आसमा मादरचोद, मेरी तो तू झूठी झूठी आइडेंटिटी लगाती रहती है अपनी स्टोरी पे। कभी अपना तो सच्चा नाम बता रहे हो रंडी, कभी अपना तो सच्चा नाम बता आसमा। क्यों तेरी गांड फट जाती है? एक मिनट, आज मैं उसका सब कुछ वायरल करूंगा, आज मजा आएगा। मां चोद दूंगा आज मैं इसकी। कहां पे है ये? आ जा भाई। यार ये फोन में है ना प्रॉब्लम नहीं होती है? होती है होती है मत होती है। हेलो, हाँ भाई, जय बोले की। तो मुझे ऐसी खबर मिली सूत्रों के अनुसार कि ये आसमा नाम का खूनी भोसड़ा है, वो खूनी भोसड़ा मलाइका के घर के नीचे जाके बैठा हुआ है। नहीं, मेरे को ऐसी लाइव शेयर हुई थी पर मैं देखा नहीं। मैंने बोला क्या करना, मतलब जिसके घर खुद कांच के बने होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारता, तो मेरे खुद ही के घर टूट चुके हैं अभी तो इसीलिए। अच्छा। हाँ हाँ राइट। तो क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी यार पनोड़ी भाई, और मतलब मेरे बाप ने मेरी लाइव देख ली जब मैं लाइव चला रहा था आप लोगों के साथ बैठ के, और मेरे बाप ने लाइव देखी तो फिर उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे दोस्तों से बात कराओ अपनी, और ये भगवान कसम खा के कह रहा हूं मैं सच बोल रहा हूँ, और मेरे भाइयों ने भेज दी थी लाइव, तो उन्होंने बोला कि मेरे दोस्तों से बात करवाओ। मैं बोला कौन सा दोस्तों? वो बोले कि एक जो जिसके बाल बड़े बड़े हैं उससे बात कराओ, और एक तो वो जिसके बाल जानवरों के जैसे हैं उससे बात कराओ। मैं बोला आप उनसे बात मत करो, मुझे दो जूते एक्स्ट्रा मार लो, नहीं तो वो आपका भी खेला कर देंगे। तो उन्हें समझाया मैंने तो माने तो है, फिर इसीलिए मेरे को वो आईडी अपनी डीएक्टिवेट करनी पड़ी और भागा हूं मैं। अच्छा। हाँ, तो और यार मेरे अपने, और पनोड़ी भाई अपने मतलब जा... आप आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है पनोड़ी भाई, पर मैं अपने हाँ बाप को जानता हूँ, बहुत हरामी इंसान है, और मेरा बाप चूतिया भी इंसान है,
एक सेकेंड, हाँ अभी तो नहीं होंगे इस आईडी में, तो पिताजी हमारे चूतिया इंसान भी है तो वो जरूर आपको डीएम भी किए होंगे, तो अगर डीएम आया होगा तो दोस्ती के नाते पनोड़ी भाई आप उनको रिप्लाई नहीं देंगे, ना ही आप उनकी फोटो वोटो का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लेकिन मैं तो डीएम चेक करता ही नहीं हूं, हाँ, थैंक यू। मैं तो डीएम चेक करता ही नहीं हूँ। हजारों डीएम्स आके पड़े हुए हैं, मैं तो कभी आज तक डीएम खोलता ही नहीं हूँ। तो मैं तो भोलेनाथ से मना मांगूंगा कि मेरा बाप भी घूम जाए उस डीएम की भीड़ में। हाँ नहीं, फिक्र मत करो, अगर उन्होंने मेरा नंबर भी ढूंढ लिया तो मैं उनसे यही बोलूंगा कि देखो चाचा जी, ऐसा कुछ होता नहीं है, हमारे लिए ये सब कौन के लिए बातें होती है, आई एम अ बिजनेसमैन, तो मेरे लिए तो ये सब सारी फन की चीजें हैं। हाँ, तो एक्चुअली वॉइस डबल हो रही है। नहीं, मेरी तरफ से कुछ भी इक्विपमेंट ऐसा नहीं लगाया गया है जिससे वॉइस डबल हो, बिल्कुल भी नहीं। आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी फिर। अच्छा, मेरी साइड से प्रॉब्लम। ये माधव चोद बाप का आतंक लिख रहे हो, तुम्हारी बहन चोद दूंगा डीएम में घुस के। लाइव में ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ भोसड़ी वालों, तुम्हारी बहन चोदू। एक मिनट। सब कह रहे हैं पनोड़ी भाई का इको हो रहा है। अच्छा, मेरा ही को हो रहा है? नहीं, अब नहीं हो रहा, हाँ, अब भी आप हो मेरे को रहा तो वैसे भी नहीं सुनाई दे रहा था। क्या हो गया है मलाइका के साथ, क्या हुआ, मार वार खा गए क्या? है। अरे नहीं, मैंने तो अभी तक, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आई नहीं है, मुझे तो इतना ही पता चला कि जो खूनी भोसड़ा है वो उसके घर पे जाके बैठा हुआ है। ओ बहन, जो म्यूट नहीं है ना? नहीं, नहीं, तो हाँ, तो खूनी भोसड़ा तो उसके घर पे जाके बैठ, या तो उसके फ्लैट में घुस जा। तुझे मलाइका मादरचोद इतने चमेटे मारेगी कि तेरा भोसड़ा है ना, तेरा भोसड़ा भी वो सुझा देगी, इतने चमेटे मारेगी। वैसे तो तू मुझे यूं बता रंडी, तू मुझे यूं बता रंडी कि तेरे चार भाई है, तो तेरे क्या, तेरे चार भाई को लेके गई है, भाई बहन की रक्षा कर रहे हैं। जब तू चुदवाती है हर रात को फ्लैटों में जाके, वो बिल्डर से तू बार बार लगातार बारंबार चुदवाती है, तो वहां पे तेरे भाई तुझे कांडम्स लेके आते हैं ना, तेरे लिए, तेरे खुद के भाई तेरे लिए कांडम्स लेके आते हैं। वो जो बिल्डर है वो अपने बिजनेस पार्टनरों के साथ तुझे बेचता है हर रात को, वो लोग तुझे सैंडविच बना के, कभी कुतिया बना के, कभी डॉगी बना के, कभी भालू बना के, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी तेरी गांड में, कभी तेरे मुंह में लंड देते हैं उसके पार्टनर लोग, वो बूढ़ा जो तेरा बिल्डर है, जिसने तुझे रखेल बना के रखा हुआ है, तो उन लोगों को भी तेरा भाई बेचता है ना सब जगह पे। तेरा भाई तुझे बोलता है कि आज तो बहना इस बिल्डर के साथ तुम्हें सोना है। और सुन, तेरे भाई लोगों की शादी क्यों नहीं हो रही है रंडी? ये ना, ये तो तूने आज तक किसी को बताया नहीं कि तेरे चार बूढ़े भाई है, जिनकी एज निकल चुकी है तेरे चार बूढ़े भाई की, उन लोगों की शादी क्यों नहीं हो रही है? शादी इसलिए नहीं हो रही है कि सब लोगों को पता है कि तू एक रंडी है, तू बिल्डरों के साथ सोती है, वहीं से ही तेरा खाना, तेरे घर का खर्चा, तेरे बूढ़े माँ बाप की दवाई, वो सारी चीजें होती है। मैंने सोचा तेरे बाप ने तुझे, मैंने सुना है कि तेरे बाप ने तुझे ये बोला है कि तू, तेरे बाप को और तेरी माँ को किस कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो तेरे बाप ने बोला कि बिटिया अभी और चुदवाना शुरू कर दो, हम लोगों को तीर्थ यात्रा पे जाना है। क्या ये बात सच है रे खूनी भोसड़े? ओ खूनी भोसड़े, तो अब ये खूनी भोसड़ा जिस कॉलेज में पढ़ती है, 40 साल की ये औरत जिस कॉलेज में पढ़ती है, उसका नंबर मैं नीचे लिख रहा हूं, मतलब तुम लोग लिखना, उसको मैं पिन करूंगा, फिर वहां पे फोन करके तुम लोगों को, क्या भाई इको आ रही है क्या बाबा? पनोड़ी भाई, मैं तो म्यूट करके खाना खा रहा हूँ, इको आपकी तरफ से, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इको आपकी तरफ से है पनोड़ी भाई, मेरा तो म्यूट है माइक।
अरे यार इको क्यों आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से आपको एक बार लाइफ को रीस्टार्ट कर लेना चाहिए पनोड़ी भाई। व्हाट्सएप बड़ी तो म्यूट ये। रखा हूँ चलो मैंने। ठीक है, मैं